गुड मॉर्निंग क्लास टेन स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव सी द क्रॉपिंग पैटर्न। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न वी हैव रीड, रबी, खरीफ एंड जैद। नाउ वी आर रीडिंग अ मेजर क्रॉप्स। भारत में बहुत 3 तरीके के जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, इसके बदौलत कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस क्रॉप्स भी पाई जाती है। ऐसा ही पहला क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइस, मतलब चावल। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा चावल कहाँ पर बोया जाता है, उत्पादन होता है? समभूमि एरिया, उत्तर की दिशा में और उत्तर पूर्व भारत में। कोस्टल एरियाज एंड द डिलेटिक रीजियन, कोस्टल एरिया में भी होता है और डिलेकिट रीजियन मतलब जो कि घना जंगल की तरफ वहाँ पर भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, जहाँ पे ज़्यादा जनबस्ती रहेगी, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क जहाँ पे ज़्यादा जनबस्ती रहेगी, और कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था बरकरार रहेगा, पानी का सरबराह रहेगा, ट्यूबवेल रहेगी, हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस। तो उस जगह पे चावल का उगना, चावल का खेती करना संभव होता है। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सबसे ज़्यादा इरिगेशन और ट्यूबवेल्स के दौरान चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ करवाया जाता है, जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी दिशा उत्तर प्रदेश के और राजस्थान में। नाउ व्हीट, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। भारत का सबसे पहला क्या होगा सीरियल क्रॉप में आएगा, चावल। उसके बाद दूसरा सीरियल क्रॉप खाद्याना सस्य में आएगा क्या, गेहूँ। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप, ये भी प्रधान खाद्यदाना है, खाद्य सस्य है। इन नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरब और पूरब की उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा के जितने भी एरिया है वहाँ का मेन खाद्य सस्य क्या है, व्हीट मतलब गेहूँ। दिस इज रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप है, मतलब रिक्वायर्स कूल, ठंडी के टाइम में इसको बनाया, खेती बाड़ी होता है, ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग, और उजाले में इसको जब गर्मी का शुरुआत होती है तब इसको काटा जाता है। इट रिक्वायर्स 50-75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। गेहूँ खेती बाड़ी करने के लिए ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, सालों में 50-75 सेंटीमीटर बारिश होना ही काफ़ी है। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ का जोन बोल के 2 जोन डिवाइड किया गया है। एक है द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉयल रीजियन ऑफ द डेकन प्लेटू, काली मिट्टी के रीजियन और गंगा सतलुज का प्लान, इन दोनों जगह हिस्से को व्हीट भारत के गेहूँ उत्पादन का केंद्र बोल के माना जाता है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन जगह राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, अब जानते हैं। इसके बाद मिलेट्स, जोवार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन द इंडियन। ये भी गेहूँ जैसा ही एक प्रकार का खाद्य दाना है, जिसको भी खा के लोग अपनी ज़िंदगी रोटी रोजगार चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तान के लोग। तो दिस आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इसको कोर्स ग्रेन बोला जाता है, मतलब चावल गेहूँ नहीं मिला तो ज्वार बाजरा से भी हम काम चला सकते, इसीलिए इसको कोर्स ग्रेन बोला जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें बहुत ज़्यादा पोषणदायक पोषण मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, जैसे रागी में बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राफेज ये सब मिलता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार भी बहुत अच्छा खाद्य सस्य बोल के मानी जाती है। इट इज़ ए रेन फिट क्रॉप, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। मॉइस्ट एरिया मतलब जहाँ पे भीगा एरिया होता है, बारिश होता है थोड़ा बहुत, उस जगह पे ज्वार होता है। व्हिच हार्डली नीड्स इरीगेशन, यहाँ पर अगर बारिश नहीं हुआ तो सिंचाई व्यवस्था से ज्वार को कल्टिवेशन किया जाता है। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, फॉलोड बाई कर्नाटका। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये सब जगह में ज्वार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, बाजरा बालू वाला मिट्टी में ज़्यादा होती है, एंड शैलो ब्लैक सॉइल और काली मिट्टी में भी। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, राजस्थान क्या है, रेगिस्तान एरिया, बालू मिलेगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है बाजरा का खेती बाड़ी। महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, रागी वैसा ही सूखा एरिया में होता है, एंड ग्रोज ऑयल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, लाल प्रकार की मिट्टी, काला मिट्टी, बालू वाला मिट्टी
कंट्री में भी रागी का खेतीबाड़ी होता है। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये सब जगह में रागी का फसल होता है, उत्पादन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रागी। मतलब मान के चलो ये सब जगह में अगर व्हीट ना भी मिले, रागी से भी यहाँ का लोगों का काम चल जाएगा। मैजे मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मैदा। इट इज़ द क्रॉप व्हिच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। इसको खाद्य दाना भी बोला जाता है और खाद्य उत्पादक भी बोला जाता है। मैदे से भी बहुत चीज़ बनता है। इट इज़ द खरीफ क्रॉप। इसको गर्मी में ज़्यादा गर्मी में उगाया जाता है। व्हिच रिक्वेस्ट टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हम लोग बोले पढ़े थे लास्ट जियोग्राफी चैप्टर 1 और 2 में कि जो सॉइल सबसे ज़्यादा उर्वर होती है उस मिट्टी में मैदे का खेतीबाड़ी होता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मैजे इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार में मैजा रबी सीजन में भी होता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYBC फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मैजा। मैजा का उत्पादन करने के लिए अच्छा उन्नत मान का बीज, इरिगेशन सिस्टम, ये सब देना पड़ेगा, तब जाके अच्छे मान का मैदा उत्पादन होगी। मेजर मैजा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये सब जगह में सबसे ज़्यादा मैदा उत्पादन होता है। पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल। इंडिया इज द लार्ज प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत में जैसे सीरियल खाद्य दाना सिस्टम में देखे भारत का एक अलग हिस्सा था, अलग एक नाम पाया जाती है, वैसे दाल में भी भारत का अलग नाम पाया जाती है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन। वेजिटेरियन ग्राम मतलब गाँव की तरफ देखा जाए तो चावल और गेहूँ के बाद ही सबसे ज़्यादा प्रोपोषणदायक खाना क्या है, दाल। कैन यू डिस्टिंग्विश व्हिच ऑफ दिस पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड व्हिच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। क्या हम बोल सकते हैं कौन सा दाल ठंडी में होता है, कौन सा दाल गर्मी में होता है? पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, दाल बनाने के लिए कम मॉइस्चर चाहिए एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। सूखा हालत में भी दाल का उत्पादन हो सकता है। बींग लेगुमिनियस क्रॉप्स ऑल दिस क्रॉप एक्सपेक्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। सारे प्रकार के दाल सिवाय अरहर को छोड़कर, अरहर में थोड़ा बहुत उर्वर मिट्टी चाहिए और बाकी सभी प्रकार की मिट्टी में, जमीन में दाल का खेतीबाड़ी हो सकता है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। मतलब ये रोटेशन होता है, घुमा फिरा के। अब की बार इस साल मसूर का दाल हुआ तो उसके अगले साल उस मिट्टी में मूंग का चांस होगा, ये रोटेशन होता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। सबसे ज़्यादा दाल का खेतीबाड़ी कहाँ पे होता है भारत का? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे दैट्स इट। वी विल गेट बैक ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑन टुमारो। तब तक गुड बाय।